क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का अहम मुकाबला है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। यह मुकाबला होगा न्यूजीलैंड के साथ, महामुकाबला है। फाइनल का टिकट पकड़ करना चाहेंगी दोनों टीम। सेमीफाइनल में आज भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने, बेहद रोमांचक ये मुकाबला आज रहने वाला है। भारत न्यूजीलैंड की भिड़ंत दोपहर 2 बजे वानखेड़े स्टेडियम में होगी। मुंबई, नागपुर, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, वाराणसी, हर जगह क्रिकेट फैंस जो है उत्साह से भरपूर हैं आज के मैच को लेकर। हर जगह उत्साह है। दोपहर 2 बजे से क्रिकेट का ये मैच शुरू होने वाला है, सेमीफाइनल भारत बनाम न्यूजीलैंड। इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को एक बार रोंद चुकी है इंडिया की टीम, और आज फिर से जीत के इरादे से टीम इंडिया मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उतरेगी। सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल के बाद जो टीम विजय होगी सीधे फाइनल्स में। हमारे साथ मेरे सहयोगी कमल गौड जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से लाइव। कमल, आज बेहद रोमांचक मुकाबला रहने वाला है सेमीफाइनल इंडिया बनाम न्यूजीलैंड, किस तरीके से आप इस मैच को देखते हैं कमल? अब असीन कांटेदार मुकाबला होगा क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम है और फाइनलिस्ट रही है पिछली बार की, और उससे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था 2015 का, वहाँ पर भी वो फाइनलिस्ट रही थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वहाँ पर हारी थी, पिछला वर्ल्ड कप का फाइनल हारी थी इंग्लैंड के खिलाफ, और नाट के तरीके से हारी थी। और मुझे लगता है कि एक मुकाबला जो एक तरफा अभी तक भारतीय टीम जीतती आई है सभी मुकाबले, ये मुकाबला एक तरफा नहीं होगा, यहाँ पर कांटेदार मुकाबला होगा। पिच जिस तरीके की रही है वानखेड़े की, तो बल्लेबाजों के लिए कहीं ना कहीं एक वरदान साबित होती रही है, तो गेंदबाजों के लिए बहुत बड़ी यहाँ पर चुनौती होगी। न्यूजीलैंड को हमने एक लीग मैच में हराया जरूर है, और वही एक मैच था जो भारत ने सबसे क्लोज खेला, यानी कि मात्र 4 विकेट से जीता था, उसके अलावा सारे मुकाबले एक तरफा जीते थे। तो लीग मैच में ही न्यूजीलैंड ने दिखा दिया था कि आने वाली चुनौती भारतीय टीम के लिए ये आसान नहीं होगी। ठीक है कमल, 2019 में भी फाइनल सेमीफाइनल्स में माफ कीजिएगा आमने सामने थे भारत और न्यूजीलैंड। आज हिसाब चुकता कर सकती है भारत की टीम न्यूजीलैंड के साथ, क्योंकि बेसब्री के साथ सेमीफाइनल का इंतजार सभी को था, सभी क्रिकेट प्रेमी पूरी तरीके से तैयार इंडियन जर्सी पहनकर करना चाहिए हिसाब से। हाँ। क्योंकि देखिए न्यूजीलैंड की टीम हमेशा से ही नॉकआउट्स में भारत के ऊपर हावी रही है, ये 3 बार हम न्यूजीलैंड से नॉकआउट मुकाबले हार चुके हैं। साल 2000 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारे थे, उससे पहले 2019 का सेमीफाइनल हारे हैं, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला भी हम न्यूजीलैंड से ही हारे हैं। तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की टीम हमेशा से ही हमारे ऊपर हावी रही है, चाहे वो वनडे क्रिकेट की बात करें तो वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम आगे ज़रूर है, लेकिन वर्ल्ड कप्स में न्यूजीलैंड का दारोमदार हम पर रहा है। 20 साल के बाद हमने, अब सोचिए 20 साल के बाद इस वर्ल्ड कप में हमने न्यूजीलैंड को किसी ICC इवेंट में हराया, तो कितनी मजबूत वो टीम रही होगी। और 2019 में देखिए जो फाइनल सेमीफाइनल हुआ था वहाँ पर भारत ने गेंदबाजी बहुत अच्छी की थी, लेकिन शायद जो बरसात आ गई थी उसके वजह से मोमेंटम टूट गया था और 2 दिन तक वो मुकाबला गया, तो शायद वही कारण एक बड़ा था कि भारतीय बल्लेबाजी कोलैप्स हो गई। 239 रन का टारगेट भारत को मिला था और हम उसे चेज नहीं कर पाए थे। तो आज के मुकाबले में टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कल रोहित शर्मा को मैंने सुना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि टॉस मायने नहीं रखता। मुझे लगता है कि ये ऐसा है नहीं, टॉस बहुत कुछ डिपेंड करता है टॉस के ऊपर। जिस तरीके से रोहित शर्मा ने शायद बोलने के लिए कह दिया हो कि दिखाने के लिए कह दिया हो कि टॉस मायने नहीं रखता, लेकिन वो भी जानते हैं कि मुंबई की पिच पर टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने जितने मुकाबले यहाँ पर खेले हैं टॉस का उसमें अहम रोल रहा है, पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा मिला। भारत ने इस वर्ल्ड कप में जो मुकाबला खेला था यहाँ पर मुंबई में श्रीलंका के खिलाफ कर रहा था, पहले बल्लेबाजी करते हुए 358 बनाए थे, लेकिन जब भारत की टीम ने बाद में गेंदबाजी की तो 55 रन पे श्रीलंका को ऑल आउट कर दिया। बाकी जो मुकाबले देखेंगे आप, मुंबई के चेज करने वाली टीम यहाँ पर जीती नहीं है, एक ऑस्ट्रेलिया जीता, वो भी हारा हुआ मैच जीत गया था, वरना वो टारगेट भी चेज नहीं होता अगर मैक्सवेल 200 नहीं मारते। तो मुझे लगता है टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा और पहले बल्लेबाजी ही टीमें करेंगे। नॉकआउट्स मुकाबले अगर आप देखेंगे वसंत, तो हमेशा से ही हावी रही है पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम, चाहे आप 250 भी बनाते हैं तो आपके पास एज होता है कि हम डिफेंड कर सकते हैं, तो टॉस पे बहुत कुछ यहाँ पर डिपेंड होगा।
ठीक है कमल, देखिए न्यूजीलैंड का जिक्र किया आपने, वर्ल्ड कप में हमेशा हावी रही ही टीम इंडिया के ऊपर, 2019 में भी हमने देखा, चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र भी आपने किया, 2019 में जो सेमीफाइनल था उसमें बारिश का हालांकि बहुत ज्यादा महत्व रहा था टीम इंडिया को जो है हराने में, क्योंकि देखिए बारिश के बाद जो है लय एक टूट जाती है, एक जाहिर से बात है। लेकिन ये जो मुकाबला होगा 2019 के सेमीफाइनल में, हार का एक मानसिक दबाव दिखाई दे सकता है क्या खिलाड़ियों पर? देखिए मानसिक तौर पर आप ये कह सकते हैं कि इतिहास में न्यूजीलैंड हावी रहा है, लेकिन मुझे हाँ लगता नहीं, क्योंकि रोहित शर्मा को से भी कल पीसी में ये सवाल पूछा गया था कि आप न्यूजीलैंड से 2019 का सेमीफाइनल हार चुके हैं, हाँ टेस्ट चैंपियनशिप आप हारे हैं उनसे, और उससे पहले कि वनडे चैंपियनशिप भी आप हारे हैं और न्यूजीलैंड ने आपको हराया, तो उन्होंने कहा कि हम मैच बाय मैच देख रहे हैं, हमें पता है न्यूजीलैंड एक स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन हम अब वो चीज़ इतिहास में जा चुकी है और इतिहास हमेशा से ही बदलने के लिए बनता है, तो मुझे लगता है बिल्कुल कि इतिहास चेंज भी हो सकता है, लेकिन भारतीय टीम को उसके लिए सतर्क रहना होगा। जैसे हम बोलते हैं कि शुरुआती 10 ओवर यानी कि पहला आधा घंटा फर्स्ट इनिंग्स और दूसरा आधा घंटा सेकेंड इनिंग्स का, तो ये जो आधे आधे घंटे का जो स्लॉट है यहाँ पर बहुत को डिपेंड करता है, क्योंकि नया गेंद होता है तो वो हिलता है, शाम को जब भारतीय टीम गेंदबाजी करेगी तो तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, अगर शाम को गेंदबाजी करते हैं तो न्यूजीलैंड, अगर शाम को गेंदबाजी करता है तो चैलेंज भारत के सामने होगा, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, सेंटनर, लॉकी फर्गसन, ये सारे गेंदबाज हैं जो कहीं ना कहीं गेंद को स्विंग कराते हैं, तो मुझे लगता है भारत के पास मौका जरूर है, लेकिन उसके लिए आपको संभल कर खेलना होगा। रोहित शर्मा को हमने इस पूरे वर्ल्ड कप में देखा, शतक एक है, लेकिन जो पावर प्ले होता है पहले 10 ओवर वो पूरा उसका फायदा उठाते हैं, उस फायदा उठाने के चक्कर में विकेट के गवा देते हैं, लेकिन मुझे लगता है आज ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको जरूरत है टिक कर खेलने की, क्योंकि 2019 का जो सेमीफाइनल था 239 भारत चेस करने उतरा था और शुरुआती 3 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए थे, जिसका नतीजा था कि हम फाइनल नहीं खेल पाए वहां पर। बिल्कुल कमल, देखिए वानखेड़े स्टेडियम में आपने कहा कि जो रनों के बौछार है ज्यादा होती है, बैट्समैनों के लिए अनुकूल है, प्रतिकूल है बॉलर्स के लिए, तो वहीं अब भारतीय टीम को चाहिए कि गहराई हो बल्लेबाजी में आज, क्योंकि ये दिखाने की आज जरूरत भी है, क्योंकि ये वो घड़ी है जिस समय पर आपको आपके बल्लेबाजों की तरफ से एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की जरूरत है। कमल हाँ बिल्कुल, देखिए बल्लेबाजी भारत की बहुत बेहतरीन चल रही है, क्योंकि हार्दिक पांड्या जब बाहर हुए थे बहुत से सवाल खड़े हुए थे कि उनकी जगह टीम में कौन होगा, क्योंकि एक छठे गेंदबाज के तौर पर भी हार्दिक पांड्या टीम में खेलते जी थे, लेकिन उनके बाहर जाने के बाद छठा गेंदबाज भारत के पास है नहीं, हमने पिछले मैच में देखा रोहित शर्मा ने गेंदबाजी की, विराट कोहली ने गेंदबाजी बिल्कुल की, शुभमन गिल ने गेंदबाजी की, यहाँ तक कि सूर्य कुमार यादव को भी आजमाया गया, शायद बिल्कुल ये एक टेस्ट था कि अगर कुछ सिचुएशन बिगड़ती है तो क्या हमारे पास छठा विकल्प है। रोहित शर्मा से इसको लेकर कल सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश यही है कि छठे गेंदबाज की हमें जरूरत ना पड़े। हरभजन सिंह को मैं सुन रहा था एक चैनल पर बैठ के, वो कह रहे थे कि न्यूजीलैंड के सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन बहुत ज्यादा है वहां पर न्यूजीलैंड की टीम में, तो आप आर अश्विन को खिला सकते हैं, अगर आपको ये डर है कि आपके पास छठा गेंदबाज नहीं है, आप सूर्य कुमार यादव को बाहर ठीक बिठाइए, है उनकी जगह आर अश्विन को लेके आइए, जो आपको 10 ओवर का कोटा पूरा करके देंगे, इसके अलावा बल्लेबाजी में भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर छठा गेंदबाज भारत को चाहिए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आर अश्विन को आज मौका मिल सकता है, लेकिन चांसेस कम है, क्योंकि प्लेइंग 11 के साथ कोई भी छेड़छाड़ टीम यहाँ पर करना नहीं चाहेगी, क्योंकि बिल्कुल विनिंग कॉम्बिनेशन कोई भी टीम यहाँ पर तोड़ना नहीं चाहती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमल जानकारी देने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी आज के मुकाबले से जुड़ी हुई आपने दी, जो आज खेला जाएगा, एक तरफ न्यूजीलैंड है दूसरी तरफ भारत, बेहद रोमांचक हाई वोल्टेज मुकाबला आज दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर।